देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्ण गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांग्रनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गणयम पुरुषम नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल चैनल HS न्यूज। आज मैं लेके आया हूँ जन्माष्टमी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिससे आप हो जाएंगे मालामाल। लेकिन इस कार्यक्रम को देखने के लिए ज़रूरी है आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कृष्ण जन्म अष्टमी किस शुभ मुहूर्त में करें? छोटे कान्हा की पूजा, जाने संपूर्ण विधि। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण भगवान के जन्म दिवस को कृष्ण जन्म अष्टमी कहा जाता है। इसका बेहद खास महत्व है। कृष्ण जन्म अष्टमी भारत में ही नहीं अपितु हिंदू धर्म को मानने वाले विदेशों में भी इसे धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में बाल गोपाल सरकार का कंस के अत्याचारों का विनाश करने के लिए मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान कृष्ण पृथ्वी पे पधारे थे। अब बात करेंगे पूजा करने के शुभ मुहूर्त की। कृष्ण जन्म अष्टमी की पूजा रात्रि में मनाई जाती है। इस बार संयोग बस 23 और 24 अगस्त दोनों दिन कृष्ण जन्म अष्टमी मनाने के लिए विविध पंचांगों में ऐसा मुहूर्त बना हुआ है। तो आइए अब आपको हम जानकारी देते हैं कि 23 अगस्त ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 24 अगस्त ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए 23 अगस्त को अष्टमी अर्धरात्रि के समय है, तो अर्धरात्रि के समय में 23 अगस्त को अगर अष्टमी है, क्योंकि आप भी इस चीज़ को जानिए किसी भी व्यक्ति का अगर 18 तारीख को जन्म होता है, दिन बुधवार होता है, तो दिन नहीं लिया जाता है, केवल तारीख ली जाती है। इसलिए अष्टमी महत्वपूर्ण होती है। अष्टमी अर्धरात्रि में 23 तारीख को पड़ रही है, लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार सूर्योदय के समय सुबह 7:30 बजे से लेके किसी इन्हीं पंचांगों में 8 बजे तक 24 तारीख को अष्टमी है। इसलिए उदया तिथि में अष्टमी पड़ने के बाद कुछ लोग अष्टमी का त्यौहार भी मना रहे हैं। कृष्ण जन्म अष्टमी का मुहूर्त, मित्रों इस बार जन्माष्टमी 23-24 तारीख को मनाई जाएगी, ऐसा कुछ पंचांगों में मत है। हमने कुछ पंचांगों के बारे में देखा और ये निर्णय लिया कि 23 तारीख की जन्माष्टमी ज़्यादा शुभ रहेगी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि के समय हुआ था और अर्धरात्रि में 23 अगस्त को ही अष्टमी है। अगले दिन अष्टमी सुबह 7 से 8 बजे तक प्रातःकाल है। कुछ लोग ये मानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था,
इसलिए रोहिणी नक्षत्र भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मित्रों, महत्वपूर्ण यह स्थिति नहीं बनती है, महत्वपूर्ण तिथि होती है। इसलिए 23 तारीख को भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाना अच्छा रहेगा। लेकिन शास्त्र मत पे आते हैं तो शास्त्र मत में उदयाचल की तिथि, अर्थात भगवान जब भगवान भुवन भास्कर उदय होते हैं उस समय जो तिथि होती है वही सारे दिन मानी जाती है। ऐसी मान्यता को जानने वाले समझने वाले उस 24 तारीख की अर्धरात्रि को कृष्ण जन्माष्टमी की का निश्चित रूप से मुहूर्त मनाएंगे। अब बात करते हैं कि 23 तारीख को रात्रि में भगवान का जो वास्तविक जन्म होगा उसका पुण्य काल कब तक है, कब तक हम भगवान का जन्म करा सकते हैं। रात्रि 12:01 से 12:45 तक भगवान कृष्णचंद्र सरकार के प्रकट उत्सव की पूजा हम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 44 तक हम पूजा अगर करेंगे तो निश्चित रूप से शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में श्री कृष्णचंद्र सरकार की कृपा प्राप्त होगी। यही विधि 24 अगस्त को भी निश्चित रूप से मनानी चाहिए। श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन कुछ दान, कुछ छोटे छोटे कार्यों को करके अपने जीवन को आप सुधार सकते हैं। अब बात करेंगे जन्म अष्टमी की संपूर्ण विधि और सावधानियों के बारे में, क्योंकि सावधानी आवश्यक है। सावधानियां रखेंगे तो व्रत का जो वास्तविक प्रभाव है उसका पुण्य प्राप्त होगा। यह व्रत अष्टमी से शुरू हो जाता है। सुबह स्नान करने के बाद मंदिर को साफ करके भगवान बाल कृष्ण लड्डू गोपाल जी की मूर्ति मंदिर में रख करके विधि विधान पूर्वक पूजा कराई जाती है। इसके बाद रात्रि में गंगा जल से पहले श्री कृष्ण को स्नान करा के नए वस्त्र आभूषण पहनाने चाहिए। 12 भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराएं, भगवान के भजन गाएं और फिर प्रसाद वितरण करें। श्री कृष्ण जन्म अष्टमी में कुछ ऐसे दान हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने से आपका जीवन संवर सकता है। जैसे कि धनिया करेगी धनवान। भगवान श्री कृष्ण को धनिया का प्रसाद बहुत प्रिय है। जो भी व्यक्ति धनिया को घी में भून के भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार के चरणों में प्रसाद के रूप में निवेदन करेगा उसके घर में धन समृद्धि भगवान श्री कृष्णचंद्र और माता राधा रानी पूरी तरह से भर देगी। बांसुरी का दान देगा शांति का महावरदान। जी हाँ, आप अगर घर में आपके अशांति रहती है तो एक सुंदर सी बांसुरी खरीदने की आवश्यकता है। उसमें मौली बांध करके श्री कृष्ण चंद्र सरकार के चरणों में अर्पण करने से आपके मन में तो शांति प्राप्त होगी ही होगी। पूरे परिवार में भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार की एक एक स्वरों की का महावरदान आपके घर में भर जाएगा और निश्चित रूप से आपके परिवार में शांति का महावरदान प्राप्त होगा। कृष्ण जन्म अष्टमी में करें मोर पंख के महाटोटके, हो जाएंगे माला माल। मोर पंख के टोटके से आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कैसे करें ये टोटके? आप 3 मोर पंख आगे की आंख जैसे आकार वाला लेके आए और भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार के चरणों में रख दें। 1 मोर पंख भगवान श्री कृष्ण के मस्तक में मुकुट के ऊपर छोटा सा लगा दें। 2 मोर पंख एक अपने घर में लगा दें, एक अपने व्यापारिक संस्थान में लगा दें,
देखिएगा, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार की अनुकंपा कृपा प्राप्त होगी और आप मालामाल हो जाएंगे। लव मैरिज में आ रही बाधाएं केवल एक मंत्र से दूर हो सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार का ध्यान करते हुए उस दिन पीले आसन पे बैठ करके कात्यायनी मंत्र का पाठ करने से लड़कियों के जीवन में चली आ रही वैवाहिक बाधा दूर हो जाती है। निश्चित रूप से उनकी शादी एक वर्ष के अंदर जरूर हो जाती है। लड़कों की शादी में अगर अवरोध आ रहा है तो वह लोग भी माता अंबिका अर्थात माता दुर्गा का ध्यान करके ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का पाठ करेंगे तो बच्चों के भी जीवन में जो भी बाधाएं हैं विवाह से संबंधित वह दूर हो जाएंगी। मित्रों, यह कार्यक्रम यहीं पे अब मैं समाप्त करता हूं। मैं आपके लिए फिर लेके आऊंगा कुछ खास टॉपिक, लेकिन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट, बिजनेस की खबरों के लिए देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।